सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 2 जुलाई। गुरु सेवा करें यानी क्या करें? साधन के लिए दौड़ धूप कहाँ तक की जाए? जप तप नियम याग आदि हम क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन यदि भगवान हमारे घर स्वयं चले आए तो साधन की दौड़ धूप क्यों की जाए? अतः साधन के लिए दौड़ धूप करने का कोई कारण नहीं, अन्यथा उसी दौड़ धूप का अहंकार हमें हो जाता है और जो साध्य है वो अलग थलग पड़ जाता है, उल्टे हानि ही होती है। जो जो भी घटता है वो मेरी इच्छा से यानी भगवान की इच्छा से घटता है ऐसा मानो और उसी में संतोष मानो। जो जो भी तुम कृति करोगे उस वक्त मेरा स्मरण करो। गुरु भक्ति करना यानी क्या? गुरु की देह की सेवा करना ही गुरु भक्ति है ऐसा आपको लगता है क्या? उसकी देह की सेवा करना गुरु की सत्य सेवा नहीं होती। जैसे गुरु कहता है वैसा पवित्र आचरण करना ही गुरु सेवा है। मेरे पास कोई आता है तब कोई संतान मांगता है, कोई धन संपदा मांगता है, कोई रोग मुक्त करने के लिए प्रार्थना करता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी सेवा करने के लिए आते हैं या मैं तुम्हारी सेवा करूं इसलिए आते हैं। मेरे पास आकर मनुष्य देह सफल होगी ऐसा कुछ करो। तुम जो मांगते हो तदनुसार मैं थोड़ा कुछ दूंगा, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन काढ़ा लेने के वक्त उसकी कड़वाहट सही जाए, इसीलिए जैसे गुड़ का ढेला दिया जाता है वैसे ही कुछ थोड़ा सा दे देने वाली बात होगी। मुझे सब समझता है ऐसा मेरे बारे में तुम कहते हो, लेकिन वो तुम दिल से नहीं कहते हो, क्योंकि जिसे ऐसा मेरे बारे में लगता हो उससे पाप कर्म होगा ही नहीं। जिसकी वृत्ति मुझसे एक रूप हो गई है वो जान पाएगा कि मुझे सब कुछ समझता है। गुरु की शरण में जाने का मतलब है कि गुरु का मन और अपना मन मिल जाना। अतः दुर्भाग्य से यदि हम गुरु से दूर कहीं हो तो भी मन से हम संलग्न होने के कारण उन्हीं के पास होंगे। हम जैसे अपनी माता पिता से बोलते हैं वैसा मुझसे बोलना चाहिए। मुझे सभी सुख दुख निवेदन करें। तुम इतने क्लेश सहकर मुझसे मिलने के लिए आते हो किंतु खाली हाथ और खाली मन लेकर जब तुम लौटते हो तब मुझे दुख होता है। मेरे पास जो है वो तुम्हें व्यावहारिक जगत में कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा और वो है भगवान के नाम का प्रेम। संपूर्ण गृहस्थी में यदि सच्चा आराम चाहते हो तो वो नाम स्मरण करने से ही मिलेगा। जो चाहता है कि मैं उससे मिलूं, जो मेरा कहलाता है उसे नाम स्मरण के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। नाम से प्रेम करना ही मुझसे प्रेम करना है। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।